ग्राम पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 150% वैन ग्राम होना है। जो वैन प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायत में यात्रा करेगी, इस प्रकार प्रतिदिन 360 ग्राम पंचायत में आयोजन होगा। मैदानी परिस्थितियों के अनुकूल रहने से समय सीमा में हम 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजन कर पाएंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठक आई थी, जिसमें 2000 महिलाओं का सभी सभा के भागीदार बनाने का स्वच्छता अभियान, स्कूल कॉलेज में प्रतिस्पर्धा आदि आयोजित किया जाएगा। योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों के अनुभव से अन्य लोगों को मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से प्रेरित भी किया जाएगा। ऑन स्पॉट सेवा एवं विद्रोह कैंप तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी वहां पर स्थानीय तौर पर आयोजित किए जाएंगे। आज राज्य में सभी जिलों में 33 जिलों में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। दोनों सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण पाल जी नागपुर जिले से एवं कवर्धा जिले से माननीय श्री विजय शर्मा जी शामिल हो रहे हैं। अन्य समस्त जिलों में सम्माननीय सांसद या विधायक वहाँ पर उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो विश्व भारत संकल्प यात्रा का अच्छे से क्रियान्वयन किया जा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमें बहुत खुशी है कि माननीय विधायक राजेश कोड़े जी भी परिसर में आ चुके हैं, हम उठकर आए और अपना स्नान ग्रहण करें। और साथ ही हमारे बीच में मेजर चौधरी जी हैं, हम उनकी अगुवाई में सभी पार्षदों के द्वारा चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर किया जाए। मेजर चौधरी जी और पार्षद बन जो इस मंच पर उपस्थित हैं उनके निहित माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बनाया जाए
अधिकारी मन बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, बाकी अधिकारी मन, आप मन देखो मोदी जी का जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, ऐसे कोनो योजना नहीं बचे जेकर गरीब मन ला फायदा नहीं मिले। अगर गरीब मन ला फायदा मिली तो ओकर मन के जीवन स्तर ऊंचा होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। गैस के सिलेंडर में 500 रुपये के सब्सिडी मिली, 500 रुपये के गैस के सिलेंडर मिली। और केंद्र सरकार के एक योजना है पीएम श्री योजना के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के जो स्कूल बने वो स्कूल के तरक्की हो ही। और ये जो लक्ष्य लिखे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा के, ये गांव गांव में जाकर सब योजना ना बताई। मैं आज के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अगले कार्यक्रम होते मैं अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ और ये बात के कामना करत हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के विकास है रुक के नहीं, और वो विकास का फिर हमारा तेजी से करवाना है। करवाना है कि नहीं करवाना है तो जोर से मुख्यमंत्री जी के ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। और रायपुर शहर में जैसे गुंडा बदमाश बने, जैसे कब्जा करने वाला बने, जैसे बदमाशी करने वाला बने, जैसे चाकूबाज बने, ओकर मन के खिलाफ भी अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगी। और गरीब के जीवन में सुरक्षा मिली। मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर आप मन के भी स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी के।